गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अमरीश एंड इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग, 1st of November एंड आई एम इन अ वंडरफुल प्लेस विद अ वंडरफुल व्यू इन द मॉर्निंग टुडे. इट्स अ ब्यूटिफुल सनराइज बिहाइंड मी एंड आई एम लाइक हैविंग अ गुड टाइम. सो थॉट ऑफ शेयरिंग समथिंग विद यू. बहुत अंदर से मेरे को ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पसंद आता है और मेरे को मज़ा भी आता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में किसी को बताने और समझाने में. कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो हमको नॉर्मली क्या समझ में आता है कि ये जो फिजिक्स वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, मैं उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाली नहीं, मेटाफिजिक्स वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा है कि अरे यार ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, बस एक इंट्यूशन था, एक अंदर फीलिंग थी कि हाँ ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, और वो गलत हो ही गया. तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम ऐसा होता है हम नेगेटिव सोचते हैं और वो सच हो जाता है, राइट. और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमको अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस करती है. अ बिग थिंग विच इन्फ्लुएंसेस अस इन आर लाइफ इज आर थॉट्स. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस बला का नाम है, आज समझते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले आपके बचपन में लेके जाता हूँ, जब हमने सुना होगा अलादीन और उसका चिराग और जीनी के बारे में, राइट. तो होता क्या है वहाँ पे कि अलादीन अपनी फरमाइश करता है और जीनी वो फरमाइश को पूरा करता है, राइट. तो अब चीज़ क्या है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ सिमिलर सा चीज़ है, इट्स अ सिमिलर थिंग. यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे अलादीन हम हैं और जीनी वो सुप्रीम पावर है. उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसको आप अपना भगवान का नाम दे सकते हो, उसको इन्फिनिट पावर का भी नाम दे सकते हो, राइट. तो ये जो सुप्रीम पावर है वो सारे चीज़ें पूरा करता है जो अलादीन या कि हम है ना जो फरमाइश करते हैं. लेकिन डिफरेंस यहाँ पे यही है कि वहाँ पे जो अलादीन बोलता था वो जीनी पूरा करता था, लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम पावर है वो उस चीज़ को पूरा करता है, जो हम बोलते हैं उसको नहीं, जो हम सोचते हैं उसको वो पूरा करता है. तो ये बहुत गजब सा चीज़ है. तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, राइट, अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव है तो हमारा जो रियलिटी है या जो हमारा आउटपुट है अपने लाइफ में या जो हमारे लाइफ में हमको मिलता है वो पॉजिटिव होता है. और अगर हमारा सोच नेगेटिव है, अगर हमारी थिंकिंग, हमारे माइंडसेट अगर नेगेटिव है तो हमको नेगेटिव चीज़ें अपने लाइफ में मिलती हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे दिमाग में आता है कि यार हम अगर कभी पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तो हमको लाइफ में पॉजिटिव भी मिलना शुरू हो जाए. तो हम क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सोच सकते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इफ़ वी थिंक पॉजिटिव? जी हाँ, इट्स अ रियलिटी. और आपको एक बैड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स एक दिन में निकलता है. 60,000, जस्ट इमेजिन 60,000. और 60,000 थॉट्स में से आप हैरान हो जाएंगे, 95% ऑफ द थॉट्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और सिर्फ 5% पॉजिटिव होता है. अगर हम ये 95% जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव में कर पाए तो कहीं ना कहीं हम भी अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव सक्सेस हमको मिल पाएगा. लेकिन अब ये तो एक बहुत टीडियस काम है. आप बोलोगे कि यार मुझे सारे थॉट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, 60,000 हर एक थॉट, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको थॉट्स को पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फीलिंग्स को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फीलिंग्स से ही हमारे थॉट्स निकलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हवा, हवा की क्या स्मेल होती है? कोई नहीं होती है. लेकिन अगर गार्डन के ऊपर से वो गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसका स्मेल अच्छा हो जाता है. अगर वो एक कूड़े कचरे के ऊपर से गुजरता है तो उसका स्मेल जो है वो नेगेटिव हो जाता है, राइट, वो बदबूदार हो जाता है. हमारे जो थॉट्स हैं ना, उसी तरह, उसी हवा की तरह हमारे थॉट्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, हमारी फीलिंग्स तय करते हैं कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. और अगर हमारे फीलिंग्स अगर पॉजिटिव हैं तो हमारे
थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर फीलिंग्स हमारे नेगेटिव हैं तो हमारे थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। अब हमारे फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स क्या होते हैं? नेगेटिव फीलिंग्स होता है जेलसी, नेगेटिव फीलिंग्स होता है हेट्रेड, नेगेटिव फीलिंग्स होता है जितने सारे नेगेटिव, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, ये सारे नेगेटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स क्या होता है? ग्रेटफुलनेस, लव, ये सारी जो चीज़ें होती है ये पॉजिटिव फीलिंग्स होती है। जब आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाती है आपके थॉट्स अपने आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो शायद आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। लेट मी एन्जॉय द सीन आउट हियर एंड आप लोग अपने फीलिंग्स को पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए सो दैट आपकी ज़िंदगी में आपके थॉट्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाए और आपकी लाइफ पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। So, all the best, take care, goodbye.